हेलो एवरीवन। सो आज हम सेकंड पार्ट में आपको लेकर आए हैं एसक्यूएल के, और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था कि आज हम डीडीएल कमांड्स को कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स सी द डीडीएल कमांड्स। डीडीएल कमांड्स क्या होती हैं? डीडीएल कमांड्स ऐसी कमांड हैं जो स्ट्रक्चर के साथ वर्क करती है। डेटाबेस को क्रिएट करना है या फिर आपको टेबल को क्रिएट करना है, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हम डीडीएल कमांड्स को यूज़ करते हैं। डीडीएल कमांड कौन कौन सी होती हैं? क्रिएट कमांड, ऑल्टर कमांड एंड ड्रॉप कमांड आर डीडीएल कमांड्स। सो लेट्स सी फर्स्ट कमांड, दैट इज क्रिएट कमांड। सो क्रिएट कमांड क्या करती है? क्रिएट कमांड आपकी हेल्प करेगी अगर आप कोई भी डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं। माई एसक्यूएल अगर आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और फिर उसके बाद आप डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करेंगे। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज करेंगे? क्रिएट कमांड को आप यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? सिंटैक्स इसका है, देखिए। सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिएट, उसके बाद आप लिखेंगे डेटाबेस। हियर डेटाबेस इज अ कीवर्ड, ओके। उसके बाद जो भी आप डेटाबेस का नेम रखना चाहते हैं उसके बाद आप लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है क्रिएट डेटाबेस स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैंने नेम डिसाइड किया है कि मैं अपने डेटाबेस का नेम रखूंगी स्टूडेंट, सो मैंने ये लिखा है। और लास्ट में इस पूरी क्वेरी को टर्मिनेट करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप उस डेटाबेस को यूज करेंगे बाय यूजिंग द यूज कमांड। सो यूज को लिख के और उस डेटाबेस जिस जो नेम आपने डिसाइड किया था वो नेम आप लिख के उस डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। जब आप एक बार डेटाबेस को क्रिएट कर लेते हैं और फिर आप उसको यूज भी कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? आप उसके अंदर क्रिएट करेंगे टेबल्स को। आफ्टर क्रिएटिंग द डेटाबेस स्टूडेंट वी नीड टू डिफाइन द रिलेशंस। रिलेशन क्या होता है? अब जब भी हम माई एसक्यूएल के अंदर वर्क करते हैं तो हम DBMS के अंदर वर्क कर रहे हैं और RDBMS की फैसिलिटी भी हमारे पास माई एसक्यूएल के अंदर होती है। तो हम माई एसक्यूएल के अंदर क्या क्रिएट करते हैं? टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? टेबल का अनदर नेम होता है। तो जब भी आपने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसको यूज कर लिया, सो नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द टेबल्स। और टेबल्स को क्रिएट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? उसके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को क्रिएट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? डेटा टाइप्स। आप डेटा टाइप डिफाइन करेंगे तभी आप एट्रीब्यूट क्रिएट कर पाएंगे और तभी एक टेबल बन पाएगा। तो इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो देखिए, जो मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया था स्टूडेंट, उस स्टूडेंट्स डेटाबेस के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। अब इस टेबल को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक क्वेरी लिखेंगे या फिर हम एक कमांड लिखेंगे। ये कमांड मैंने इस तरह से लिखी हुई है नीचे। सो देखिए क्या लिखा है मैंने। सबसे पहले मैंने लिखा है क्रिएट। क्रिएट इज द नेम ऑफ द कमांड। उसके बाद कीवर्ड है टेबल। ये टेबल आपको इसी तरह से ही लिखना है। उसके बाद आप टेबल का नेम डिसाइड करेंगे। जो भी आप नेम डिसाइड करेंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप उन कॉलम्स को लिखेंगे जो आप उस टेबल के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं। कॉलम्स को और क्या क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं। तो इसमें पहला एट्रीब्यूट कौन सा है? रोल नंबर। और उसके बाद इंट क्या है? इंट रोल नंबर का डेटा टाइप है। ऐसा इंट क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि रोल नंबर के अंदर हम होल नंबर्स को स्टोर करवाना चाहते हैं, विदाउट डेसिमल नंबर्स को स्टोर कराना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर डेटा टाइप लिखेंगे इंट। नेक्स्ट मेरे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट है एस नेम। एस नेम इज स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम के अंदर डेटा हम किस तरह का रखना चाहते हैं? हम कैरेक्टर्स रखना चाहते हैं। पर मैंने यहाँ पे वेयर केयर क्यों लिया है? वेयर केयर इसलिए लिया है क्योंकि सारे नेम डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे नेम का के अंदर जितने भी कैरेक्टर होंगे उतना ही एरिया यूटिलाइज हो, बाकी एरिया यूटिलाइज ना हो, इसके लिए यहाँ पे वेयर केयर सूटेबल है। नेक्स्ट इज DOB। DOB इज डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम डेट को इंसर्ट करेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे डेटा टाइप ले रहे हैं डेट। तो मैंने स्टूड रिकॉर्ड नाम के टेबल के अंदर तीन कॉलम्स को क्रिएट किया है और उनके तीनों कॉलम्स के जो डेटा टाइप है वो हमने उसी के अकॉर्डिंगली ही चूज किए, जैसा डेटा वो उस कॉलम के अंदर हम स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो ऐसा टेबल हमारा क्रिएट हो गया। अब आपने टेबल को क्रिएट कर लिया है। टेबल को क्रिएट करने के बाद आप टेबल के स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्राइब को यूज करेंगे। डिस्क्राइब टेबल कमांड होती है जिसको आप यूज करके टेबल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि क्या वो स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आप स्ट्रक्चर को देखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? डिस्क्राइब लिखना पड़ेगा। और फिर जो भी टेबल का नाम आपने लिखा था वो टेबल का नाम आप लिख के सेमी कॉलन लगा के आप टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्प्ले करा सकते हो। अब डिस्क्राइब अगर आपको पूरा लिखना है आप वो भी लिख सकते हो। MySQL के अंदर ये दोनों की दोनों कीवर्ड जो है वो सपोर्ट होते हैं। DESC भी लिख सकते हैं तब भी आपका क्वेरी या कमांड चल जाएगा, और डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। दोनों में से आपको जो सूटेबल लगता है आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट इज ऑल्टर कमांड। जैसे क्रिएट कमांड ने स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को क्रिएट किया, उसी तरह से अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लिया हो तब आपको उसकी बात फील हो रहा है कि नहीं अब हमें स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना है, हमें अपने स्ट्रक्चर में कोई भी एक एट्रीब्यूट और ऐड करना है या रिमूव करना है या पहले से बने हुए एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करना है। तो अगर आप स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है? ऑल्टर कमांड। ऑल्टर कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस और द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। और इसके बाद लिखा है कि अगर आपने ऑल्टर कमांड को यूज किया है, ऑल्टर कमांड को यूज करके आप स्ट्रक्चर को तो मॉडिफाई कर सकते हो, कॉन्स्ट्रेंट्स को भी ऐड कर सकते हो। कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है वो मेरे आगे आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा, मैं आपको कॉन्स्ट्रेंट कैसे ऐड करनी है और कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है इसके ऊपर भी पूरा प्रॉपर वीडियो बनाने वाली हूँ। सो आज हम यही देखने वाले हैं कि हम एक टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स को कैसे ऐड और रिमूव करते हैं और मॉडिफाई कैसे करते हैं। कॉन्स्ट्रेंट का वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगी। तो सबसे पहली नीड होती है ऑल्टर के अंदर कि आपको टेबल के अंदर एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना है, ठीक है। हमने अभी एक टेबल क्रिएट किया था सूट रिकॉर्ड, उसके अंदर हम एक नया कॉलम को ऐड करेंगे तो उसकी एग्जांपल लेके चलेंगे। सिंटेक्स किसको फॉलो करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ऑल्टर, ऑल्टर के बाद आपको कीवर्ड लिखना है टेबल, उसके बाद जो भी आपके टेबल का नाम होगा वो आप लिखेंगे, उसके बाद आप एक कीवर्ड यूज करेंगे दैट इज ऐड। ऐड को आप यूज करेंगे ऑल्टर के साथ तभी आप एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर पाएंगे। फिर जो नया एट्रीब्यूट आप ऐड करना चाहते हैं उसका आप नेम क्या रखेंगे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंगली आपको डेटा टाइप भी चूज करना पड़ेगा। सो एग्जाम्पल क्या होगी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरा पहला टेबल था स्टूड रिकॉर्ड, उसके अंदर मेरे पास तीन कॉलम थे, एक था रोल नंबर, एक था एस नेम और एक था डीओबी। अब मुझे एक और नया कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूंगी ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है स्टूड रिकॉर्ड, फिर मुझे यहाँ पे एक नया कीवर्ड ऐड लिखना पड़ेगा दैट इज ऐड, मेरे नए कॉलम का नाम है एड्रेस और उसका डेटा टाइप मैंने लिखा है कैर 56। कैर इज डेटा टाइप, 56 इज द साइज, जो भी साइज मतलब 56 कैरेक्टर्स को मैं एड्रेस के अंदर स्टोर कराना चाहती हूँ तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेटा टाइप लिखा और फिर उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज किया एंड देन सेमीकोलन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लॉज जो हम ऑल्टर कमांड के साथ यूज करते हैं दैट इज मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है कि आपने एक एट्रीब्यूट क्रिएट किया है ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है और अब आपको लग रहा है कि उसका डेटा टाइप जो हमने चूज किया है दैट इज रॉन्ग। आप पहले से बने हुए किसी भी एट्रीब्यूट का डेटा टाइप अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए मॉडिफाई क्लॉज को यूज करते हैं। तो ऑल्टर के साथ अगर आप मॉडिफाई करेंगे तो आपको सेम वैसे ही लिखना है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम और कीवर्ड आप यूज करेंगे या फिर क्लॉज आप यूज करेंगे मॉडिफाई, और जिसका भी आप चेंज करना चाहते हैं कॉलम का नाम आप लिखेंगे एंड देन डेटा टाइप जो भी होगा आपका नया वाला वो आप लिखेंगे। पुराना वाला लिखने से कोई मतलब नहीं है, आप नया वाला डिफाइन करेंगे। सो देखिए मैंने जो स्टूड रिकॉर्ड नाम का जो मैंने एक बनाया था टेबल उसके अंदर मैंने एक कॉलम ऐड किया था एड्रेस, एड्रेस का मैंने डेटा टाइप लिया था कैर, ठीक है। डेटा टाइप जो मैंने इसका लिया था वो था मैंने लिया था कैर, पर कैर के साथ तो मैं नंबर्स को ऐड नहीं कर पाऊंगी तो इसीलिए मैं यहाँ पे मॉडिफाई को यूज करके उस एड्रेस के डेटा टाइप को मॉडिफाई कर रही हूँ और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वेयर कैर। वेयर कैर मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है क्योंकि एड्रेस के अंदर नंबर्स भी आते हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई एड्रेस और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर कैर और फिर मैंने साइज दे दिया है 40, जिससे अब मेरा जो मैंने कॉलम ऐड किया था एड्रेस उसका डेटा टाइप मॉडिफाई हो गया है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने कॉलम अभी ऐड किया है उसी का डेटा टाइप आप मॉडिफाई कर सकते हो, आप पहले से बने हुए किसी भी कॉलम का डेटा टाइप मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट इज हमारे पास थर्ड क्लॉज है दैट इज हम अगर कोई भी एट्रीब्यूट रिमूव करना है, अगर हम कोई भी एट्रीब्यूट को रिमूव करना चाहते हैं ऑल्टर कमांड की मदद से हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने कोई भी एक टेबल बनाया है उसमें एक कॉलम की रिक्वायरमेंट अभी खत्म हो चुकी है तो हम उसे डिलीट करना चाहते हैं पर पूरा टेबल इफेक्ट ना हो तो उसके लिए हम कौन सा क्लॉज यूज करेंगे? ड्रॉप क्लॉज को हम यूज करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने स्टूड रिकॉर्ड नाम के टेबल में से ड्रॉप कर दूँ डीओबी नाम का कॉलम, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ऑल्टर टेबल पहले लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम का ये टेबल का जो नाम है वो मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पे क्लॉज लिखूंगी ड्रॉप और जो भी कॉलम आप ड्रॉप करना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे तो वो पर्टिकुलर कॉलम जो है वो डिलीट हो जाएगा।
तो ये थी हमारी ऑल्टर कमांड। पहले मैंने आपको बताई क्रिएट कमांड विच इज यूज फॉर क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, नेक्स्ट इज ऑल्टर कमांड इज यूज फॉर मॉडिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, और तीसरी कमांड जो DDL है दैट इज ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड की मदद से अगर आपने अपना डेटाबेस क्रिएट किया है, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, और या फिर आपने कोई डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट किया है उसकी जरूरत आपको नहीं है, तो उसके लिए आप ड्रॉप कमांड को यूज करते हैं। ड्रॉप कमांड की हेल्प से आपका जो डेटा है वो परमानेंटली डेटाबेस से डिलीट हो जाता है, और अगर डेटाबेस ही आप डिलीट कर रहे हो वो भी परमानेंटली डिलीट हो जाता है। इसीलिए अगर आपको डेटाबेस को रिमूव करना है या टेबल को रिमूव करना है, आप सोच समझ के करेंगे, क्योंकि ये जो डिलीट किया हुआ डेटा है वो वापस हमारा आता नहीं है। तो इसीलिए अगर आपने टेबल को डिलीट करना है तो टेबल को डिलीट करने के लिए आप सिंटेक्स यूज करेंगे ड्रॉप टेबल टेबल नेम। जो भी टेबल आप डिलीट करना चाहते हैं उसके लिए आप ये सिंटेक्स को फॉलो करेंगे, और फिर उसके बाद अगर आप डेटाबेस को ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम। तो ये दोनों डिफरेंट सिंटेक्स हैं। अगर आपने डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो ये सिंटेक्स को फॉलो किया जाएगा, अगर टेबल को ड्रॉप करना है तो इस सिंटेक्स को फॉलो किया जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कमांड्स आपने MySQL के अंदर परफॉर्म कैसे करनी है, तो प्रैक्टिकल अब देखते हैं किस तरह से करना है। सो ये देखिए, ये हमारी MySQL की स्क्रीन है। मैंने इसके कलर को और फॉन्ट को चेंज किया हुआ है। अगर आपको जानना हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह से ये कलर चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट, एंड देन मैंने लिखा है डेटाबेस, और फिर मैं डेटाबेस को क्रिएट कर रही हूँ स्टूडेंट, एंड मैंने लगा दिया सेमी कॉलम। सो डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। हम कैसे चेक करेंगे कि ये क्रिएट हुआ है? तो मैंने यहाँ पे लिखा शो डेटाबेसेस और सेमी कॉलन लगाया। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इसको यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा यूज और डेटाबेस का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, और फिर आप सेमी कॉलन लगा देंगे। जैसे ही आप लिखेंगे यूज डेटाबेस का नाम, तो आप डेटाबेस देख रहे हैं कि उसने लिखा डेटाबेस हैज बीन चेंज। उसके बाद आप टेबल को क्रिएट करेंगे। इसके अंदर टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे क्रिएट टेबल। टेबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखा था स्टूड रिकॉर्ड्स, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूड रिकॉर्ड्स। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे पहले कॉलम को डिसाइड कर रही हूँ, दैट इज रोल नंबर, और डेटा टाइप उसका मैं रख रही हूँ इंट। सेकंड मैं इसका डेटा एट्रीब्यूट जो मैं चूज कर रही हूँ दैट इज एस नेम, और उसका डेटा टाइप हम चूज कर रहे हैं कैर, और रिक्वायर्ड साइज जो भी आप देना चाहते हैं वो आप लिखेंगे। देन नेक्स्ट कॉलम इज DOB, और DOB का जो रिक्वायर्ड डेटा टाइप वो मैं चूज कर रही हूँ डेट। डेट लिखने के बाद मैंने सेमी कॉलन लगाया, एंटर की प्रेस की, तो मेरा टेबल क्रिएट हो चुका है। मैं चेक करना चाहती हूँ कि टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं, तो मैं यहाँ पे कमांड लिखूंगी शो टेबल्स। तो शो टेबल्स अगर हम करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारा डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो DESC कमांड या डिस्क्राइब में से कुछ भी चला सकते हैं, और फिर आप टेबल का नाम लिखेंगे स्टूड रिकॉर्ड्स, तो आपके पास आपको दिखेगा कि आपने जो टेबल क्रिएट किया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो स्टूड रिकॉर्ड, मैंने स्टूड रिकॉर्ड लिख दिया, स्टूड रिकॉर्ड्स लिखना चाहिए था। सो इसको दोबारा से चलाती हूँ मैं, क्योंकि टेबल के नेम में मैंने एस लगाया था और मैंने यहाँ पे एस नहीं लगाया। सो देखिए, यहाँ पे एक टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो चुका है, और इसमें वो हमें बता रहा है कि हमने कौन कौन से फील्ड क्रिएट किए हैं, और तीनों फील्ड के नाम, डेटा टाइप। अभी हमारे पास कोई भी नल वैल्यू है क्योंकि डेटा नहीं है, तो अभी सारा नल वैल्यू पे वो एस ही दिखा रहा है, और बाकी की चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी जैसे आप और करते जाएंगे। टेबल हमारा अभी बिल्कुल खाली है। अब इस टेबल के अंदर हमें ये दिख रहा है कि तीन फील्ड हमारे पास ऑलरेडी है, आर नंबर, एस नेम एंड DOB। अगर मैंने आपको बोला था कि टेबल आप क्रिएट कर चुके हो, उसके बाद आपको लग रहा है कि आपको एक और कॉलम को ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑल्टर कमांड को यूज करेंगे। सो ऑल्टर कमांड के लिए हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है, स्टूड रिकॉर्ड्स। सो मुझे अभी एस का ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे एस लिखूं। सो मैंने यहाँ लिखा स्टूड रिकॉर्ड्स, और मेरे पास जो नया कॉलम है उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लॉज लिखना पड़ेगा ऐड। ऐड लिखने के बाद मैं चाहती हूँ कि मैं एड्रेस नाम का नया कॉलम ऐड करूँ, और उसका जो मैं डेटा टाइप, पहले मैंने जो नोट्स में भी आपको दिखाया था मैंने कैर ही लिखा था। सो मैं यहाँ पे कैर लिख रही हूँ, 20 साइज दे रही हूँ, और मैं सेमी कॉलन लगा रही हूँ। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपकी क्वेरी जो है वो सक्सेसफुली हो चुकी है एग्जीक्यूट। सो हम इसको चला के देखेंगे डिस्क्राइब करके। सो डिस्क्राइब मैंने किया, एंटर की प्रेस की, तो आप देख रहे होंगे पहले डिस्क्राइब कमांड चलाई थी तो हमारे पास तीन ही कॉलम थे। अब हमने डिस्क्राइब कमांड चलाई है तो हमारे पास एड्रेस कॉलम भी ऐड हो चुका है, और डेटा टाइप वही लिखा है कैर 20, तो कैर 20 यहाँ पे लिखा हुआ है। बट एड्रेस के अंदर नंबर भी आते हैं, तो हम यहाँ कैर के साथ अगर वर्क करेंगे तो ये सूटेबल नहीं होगा, मुझे यहाँ पे वेयर कर इंसर्ट करना चाहिए था। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं मॉडिफाई क्लॉज को यूज करूंगी। तो मॉडिफाई क्लॉज को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऑल्टर कमांड को फिर से चलाएंगे। सो ऑल्टर कमांड के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं
ऑल्टर, ऑल्टर के बाद हम लिखेंगे टेबल। टेबल को लिखने के बाद किस टेबल को ऑल्टर करना है उस टेबल का आप नाम लिखेंगे जो मेरा है स्टूड रिकॉर्ड्स। और फिर उसके बाद मैं क्लॉज कौन सा यूज करने वाली हूँ, मॉडिफाई। उसके बाद किसको मॉडिफाई करना है उस कॉलम का नाम है एड्रेस। देन उसका नया डेटा टाइप क्या है, नया डेटा टाइप है वेयर कैप। साइज में थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी क्योंकि 20 इज नॉट सफिशिएंट फॉर द एड्रेस, हम यहाँ पे 45 या 50 देना चाहिए हमें, उसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं एड्रेस में। सो मैंने यहाँ पे 50 साइज दिया और मैंने सेमी कॉलन लगाया एंड एंटर की प्रेस की। अगेन इसने कोई एरर शो नहीं की है, सो हम देखते हैं कि हमारी क्वेरी सक्सेसफुली चल रही है या नहीं। तो मैंने फिर से DESC कमांड चलाई, एंटर की प्रेस की, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो डेटा टाइप है मॉडिफाई हो चुका है। पहले एड्रेस कैट 20 था, अब यहाँ पे एड्रेस वेयर कैट 50 है। सो इस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हो। और देखने के लिए आप DESC को खोलोगे, बार बार DESC कमांड चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडिफिकेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब नेक्स्ट ये है कि मैं DOB नाम का कॉलम जो है वो ड्रॉप कराना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगी ऑल्टर। फिर मैंने यहाँ पे लिखा टेबल, टेबल का नाम है स्टूड रिकॉर्ड्स, सो मैंने यहाँ पे लिखा स्टूड रिकॉर्ड्स। एंड देन मैंने क्लॉज यूज करना है ड्रॉप, और जिस कॉलम को आप ड्रॉप करना चाहते हो उसका नाम, एंड देन सेमी कॉलन एंड एंटर की। सो यहाँ पे इन्होंने फिर से यही बोला है कि हमारी क्वेरी आराम से चल चुकी है। सो हम यहाँ पे फिर से DESC कमांड को चलाएंगे, एंटर की प्रेस करेंगे। सो देखिए हमारा जो पहले DEOB जो DESC कमांड डिस्प्ले कर रही थी कॉलम का नाम, अब ये DEOB नहीं डिस्प्ले हो रहा है, ये कॉलम हमारा ड्रॉप हो चुका है, डिलीट हो चुका है, स्ट्रक्चर बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुआ हमारा। अभी आपको ज्यादा पता तब चलेगा जब आप इसके अंदर इंसर्शन भी करोगे, आप डेटा को इंसर्ट भी कर लेते हो उसके बाद भी अगर आप नई वैल्यूज ऐड करना चाहते हो या फिर नए कॉलम को ऐड करना चाहते हो या पुराने कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो भी वैल्यूज पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट हम जो नया लेक्चर जो मैं लेकर आऊंगी उसके अंदर हम DML कमांड्स को करेंगे, और DML कमांड्स को सीखने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये वाला अच्छा लगा है तो आप प्लीज एक लाइक तो कीजिएगा इसको, और अगर कोई और भी कोई क्वेरी है आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई थिंक ये आपको सारा क्लियर हो चुका है, थैंक यू सो मच।